और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला को बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि देश के किसानों के हालात के सुधरने में भी आप अपनी पहल करेंगे। चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहेगी, ऐसे हम उम्मीद जताते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस चर्चा में भरोसा रखती है और हमें हमारा वक्त मिलना चाहिए, आप हमारे गार्जियन हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी में कम विधेयक भेजे जा रहे हैं और इस तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही अध्यादेश के लिए अध्यादेश के जरिए कानून का रास्ता न अपनाया जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान राम और अल्लाह के नारों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में ये बात सही नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सदन के सामने आपका बायोडाटा पेश कर दिए हैं तो उनसे और नया कुछ जुड़ने का जरूरत नहीं है। फिर भी कोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा है, कोटा की कचरू भी बहुत मशहूर होते हैं, तो आप इस हाउस को जैसे खिचड़ी ना बने इसलिए कचूरी की तरह स्वादिष्ट कुछ हमें आप उपहार देंगे हर वक्त, ये आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है हमारा। आप एक सोशल वर्कर तो है ही, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, इसके अलावा आप एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसानों की हालात बड़ी बुरी होते जा रहे हैं, हर रोज 36 किसान की खुदकुशी हो रहे हैं, तो इससे बचाने के लिए आप जरूर अपना पहल करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तान की आम नागरिक की तरफ से और हम सब की तरफ से ये पद पे आसीन होने के लिए आपको हम सब अभिनंदन व्यक्त करता हूँ।